हेलो फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। जो परसेंटेज का जो मतलब होता है वो होता है, इस चिन्ह का जो मतलब होता है वो होता है 1/100, 1/100 होता है इसका मतलब। अब इसका जो मतलब यूज होता है वो डेली लाइफ में भी और कंपटीशन में भी है। एग्जाम्पल है डेली लाइफ का ही, देख लेते हैं इसको। 1000 का 20% कितना होता है, तो इसको कैसे करेंगे। 1000 का 20%, मतलब 20, इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। तो ये कितना हो गया, ये हो गया, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं इससे। तो कितना आ गया, 2000। कितना आ गया, 200 आ गया इसका, ये आंसर हो गया, इसका परसेंटेज निकाल दिया। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, 1400 का x%, जो कि 119 के बराबर है, तो x की वैल्यू बताओ। तो 1400 का x%, ये हो गया, ये किसके बराबर दे रखा है, 119 के। तो यहाँ से क्या ज्ञात करना है, x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 119 गुणा ये 100 इधर चला जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय ये 1400। इसको सोल्व कर लेते हैं ये इससे हो गया, तो ये सोल्व करने पर आ जाता है 8.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो टोटल कितने विद्यार्थी परसेंटेज में बताना है उत्तीर्ण हुए। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। ये बोल रखा है गर्ल्स कितनी है, 900, और बॉयज़ कितने दे रखे हैं, बॉयज़ कितने दे रखे हैं, 1100। अब आगे बोल रखा है 40% लड़कियां, मतलब 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो पास कितनी हो गई गर्ल्स, पास गर्ल्स हो गई 40%, 900 लड़कियों का 40% कितना हो गया, 360। तो 360 लड़कियां उत्तीर्ण हो गई, और कितने लड़के पास हो गए, वो है 50%, तो 1100 का 50%, ये कितना आ गया, 550। अब टोटल कितने स्टूडेंट पास हो गए, 910, 910 स्टूडेंट पास हो गए, और टोटल स्टूडेंट कितने थे, टोटल स्टूडेंट कितने थे, 2000। अब पूछा है कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए, तो कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए तो वो कैसे निकालेंगे। जो परसेंटेज उत्तीर्ण हुए वो आ जाएगा 910 स्टूडेंट पास हो गए डिवाइडेड बाय कितनों में से, 2000 में से, गुणा 100 इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया, 45.5। तो 45.5% स्टूडेंट उत्तीर्ण हुए हैं। ये कैसे निकाला, ये उसी प्रकार से निकाला गया है जैसे हमारे कोई सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, ये तीनों 100-100 नंबर की है, तो टोटल कितने हो गए, 300 नंबर हो गए, और 300 नंबर में से सपोज आपने 200 नंबर प्राप्त कर लिए, तो परसेंटेज कैसे निकालते थे, 200/300×100, ऐसे निकालते थे परसेंटेज, वो ऐसे ही निकाला गया है परसेंटेज, यहाँ भी ऐसी प्रकार से निकाला गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अतुल अपनी मासिक आय में से 5100 रुपये खर्च करने के बाद 15% बचत करता है, अतुल की मासिक आय बताओ। तो इसको कैसे करेंगे, अतुल अपनी मासिक आय, ये दे नहीं रखा है पूरी क्वेश्चन में, तो मान लेते हैं, माना अतुल की जो मासिक आय है, अतुल की जो मासिक आय है वो अक्स है, मासिक आय अक्स है। अब आगे क्या बोल रखा है, मासिक आय में से 5100, मासिक आय है उसमें से 5100 रुपये खर्च कर देता है वो, और खर्च करने के बाद क्या करता है, 15% बचा लेता है, तो 15% बचा लेता है, तो 15% निकालेंगे कितना का, 5100 का, सॉरी अक्स का, अक्स का 15%। अब पूछा क्या है, अक्स ही पूछा है, तो अक्स निकाल लेते हैं यहाँ से। तो अक्स इसको इधर ले आओ, -15x /
बराबर 5100, तो ये कितना आ गया, इसको काट लो 5 से, 5 3 15, 5 2 8 10, ये आ गया 3/20। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 20 माइनस 3 x/20 बराबर 5100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5100 × 20/, ये कितने आ गया 17। तो 17 से ये तो कट गया 3 बार, 17 3 51, तो आ गया कितना 6000 की, 6000 उसने उसकी मासिक आय है, ये एक्स आ गया, आंसर हो गया 6000। अगला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि करने तथा हर में 5% कमी करने से पर नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या है। अब पहली बात, इसमें भिन्न क्या होती है, जो भिन्न होती है ना वो होती है x/y, इस रूप को भिन्न कहते हैं, और ये जो अक्ष है यहाँ पे इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। अब इसमें बोला है किसी भिन्न, किसी भिन्न दे नहीं रखा है, तो मान लेते हैं, माना जो भिन्न है वो x/y है। फिर आगे क्या बोल रखा है, भिन्न के अंश में 20% वृद्धि, 20% वृद्धि कर दी गई अक्ष में, प्लस 20% वृद्धि कितनी हो गई, अक्ष की 20% ये वृद्धि हो गई। फिर आगे बोल रखा है इसके हर में 5% की कमी कर दी गई, तो y माइनस y के 5% कमी कर दी गई। तो जो प्राप्त होने वाली भिन्न है नई भिन्न 5/2, 5/2 हो जाती है, तो 5/2 हो गई। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, और एक्स अपॉन वाई की वैल्यू निकालनी है तो भिन्न आ जाएगी, तो यहाँ से सोल्व कर लेते हैं पहले, 20 5 100, ये आ गया, तो इसको कितना हो गया, 5 1 6/5 एक्स बट्टा, ये कितना आ गया 19 y/20 बराबर 5/2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x/y × ये तो 6/5 × ये ऊपर चला जाएगा, 20/19 = 5/2। अब x/y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो कितनी आ गई, इसको पहले काट देते हैं, 5 2 20, ये हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 19 × 5/24, 6 चौका 24 और 24 × 2, तो कितना आ गया 19 95/24 48, यह आंसर आ गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।